Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और ये मेरा कॉलेज रिव्यू पे पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ARSD कॉलेज के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ARSD कॉलेज के बारे में आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जो है 3 अगस्त 1959 को सनातन धर्म सभा द्वारा की गई थी। करंट टाइम में ये कॉलेज जो है धौलाकुआ न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये कॉलेज में आपको आने के लिए जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन है और कॉलेज जो है ये साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लोकेटेड है। साउथ कैंपस के बारे में आपको बता दूं कि जो कॉलेजेस DU के साउथ दिल्ली में लोकेटेड है उन कॉलेजेस को जो साउथ कैंपस कहा जाता है। इस कॉलेज के अगल बगल के जो कॉलेजेस हैं वो है आपका वेंकटेश्वरा कॉलेज, उसके बगल में आर्यभट्ट कॉलेज, उसके बगल में रामलाल आनंद कॉलेज, उसके बगल में मोतीलाल नेहरू कॉलेज और बीच में जो आपका है वो साउथ कैंपस का ऑफिस है। इस कॉलेज की अगर रैंकिंग की बात करें तो NIRF रैंकिंग इस कॉलेज की 14th है और अगर NEC ग्रेड की बात करें तो इसका जो ग्रेड है A है। अब इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, इस कॉलेज में अगर आपको दाखिला लेना है, अगर पढ़ना है एज एन पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको इसकी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको यहाँ पे एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। अंडर फॉर्म भरने का क्राइटेरिया दोनों का सेम ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, वो फॉर्म अपनी निकालेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर वो शुरू करेगी तो आपको फॉर्म भरना है, अपनी कोर्स चूज करनी है। अगर आप UG के हैं तो अपना कट ऑफ क्लियर करिए, इस कॉलेज का कट ऑफ आप क्लियर करिए, उसके बाद कॉलेज विजिट करिए, उसके बाद अपना एडमिशन करा लीजिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज में जो है आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, एंट्रेंस के बाद से आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग करा करके आप इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। इस कट ऑफ जो है आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर हम कोर्सेस एंड फी स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज में लगभग सभी तरीके के कोर्सेस अवेलेबल है, आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, साइंस के भी हैं। आर्ट्स में जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, मतलब और भी ज्यादा है। उसके बाद से अगर BSc में बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, फिजिकल साइंसेज के कोर्सेस हैं। उसके बाद से आपके जूलॉजी है, बॉटनी है, BSc इन जूलॉजी बॉटनी है। उसके बाद से अगर कॉमर्स में बात करें तो BCom प्रोग्राम है, BCom ऑनर्स है, तो मतलब सभी हैं, मतलब लगभग सभी यहाँ पे आपको कोर्सेस अवेलेबल मिलेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए MA और MCom मिलेगा। अगर कॉलेज की अगर क्राउड की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3000 to 3500 स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग UG and PG। कोर्सेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट की 2 साल की लगभग 20,000 के अप्रॉक्स है और अंडर ग्रेजुएट की 3 साल की लगभग अराउंड 30,000 है। मोर और लेस इतना ही है, सभी कोर्सेज का अराउंड इतना आ जाएगा, मतलब आपको 3 साल पढ़ना और मात्र 30,000 पे, इसलिए क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेगुलर कोर्सेज के अलावा यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स भी चलते हैं, जैसे कि BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। तो सेल्फ फाइनेंसिंग की कोर्स की जो फीस है वो रेगुलर से थोड़ी ज्यादा है, मतलब कि अराउंड अगर जहां रेगुलर की 10,000 पर ईयर है, वहां पे सेल्फ फाइनेंसिंग की 40-50-60,000 ऐसे करके पर ईयर आती है। तो आपको अगर आपको कोर्स फीस भी जाननी हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। कॉलेज के अगर कैंपस की बात करें तो ग्रीन एंड लस्टरस कैंपस है। कॉलेज में आपके बास्केट बॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, कबड्डी ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस है, सब कुछ है। कॉलेज में सोसाइटीज है, डिबेटिंग सोसाइटी है, डांसिंग सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है। सोसाइटीज के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप इसी लिंक विजिट कर सकते हैं। कैंपस जो है इसका अराउंड 12 acres का कैंपस है। उसके बाद से कैंपस में आपके टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सारी चीजें हैं। कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपको सभी तरीके के बुक्स मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जनरल, ई जनरल, ई रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। आपको जिस तरीके से एजुकेशन लेनी है, जैसे लेनी है, आप लाइब्रेरी में जाकर के ले सकते हैं। अगर इस कॉलेज की फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी एकदम अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम का पैटर्न मिलता है, मतलब ये ईयर वाइज नहीं कि आपको एक साल पढ़ करके लास्ट में पेपर देने, यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज पैटर्न मिलता है। उसके बाद से बीच में आपके ये इंटरनल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं।
अगर हॉस्टल की बात करें तो कॉलेज का अपना खुद का हॉस्टल नहीं है, जो बच्चे हैं वो नियर बाय पीजी में या फिर फ्लैट्स में रहते हैं, और जो पीजी में रहने के लिए जो नजदीकी स्थान है वो है सत्यनिकेतन, और फ्लैट्स के लिए आपका कुछ जगह मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नारायणा विहार है, मुनरिका है। कॉलेज के पास अपना खुद का हॉस्टल नहीं है। कॉलेज के नोटेबल एलुमनाई है जैसे जसप्रीत जैत, राजकुमार राव, सुधीर चौधरी। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज में प्लेसमेंट भी होता है। यहाँ पर आप प्लेसमेंट दो तरीके से पा सकते हैं, या तो यूनिवर्सिटी के सीपीसी में रजिस्ट्रेशन करा करके, सीपीसी मतलब कॉमन प्लेसमेंट सेल में रजिस्ट्रेशन करा करके आप वहाँ पे एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं, या फिर अच्छी इंटर्नशिप कर सकते हैं अच्छे जगह से। उसके बाद से आपके कॉलेज में जो खुद की प्लेसमेंट सेल है जो हर साल प्लेसमेंट कराती है बच्चों की, जैसे कि ARSD कॉलेज में इस साल फेब मंथ में इंटर्न ऑफ ईयर हुआ था, जहां पे अलग अलग कंपनीज आई थी बच्चों के प्लेसमेंट्स के लिए। तो ये आपके होगी प्लेसमेंट। कॉलेज कैंपस में आपको एंजॉय करने के लिए सारी चीजें हैं, स्पोर्ट्स है, पढ़ना खेलना है तो आपको स्पोर्ट्स है, पढ़ना है तो आपके लिए लाइब्रेरी है। उसके बाद से अगर आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है या फिर आपको अपने किसी इंटरेस्टेड फील्ड में आगे बढ़ना है तो उससे रिलेटेड सोसाइटीज है, मतलब फुल ऑन मतलब एवरीथिंग आपको कॉलेज में मिल जाएगा, जहां पर आपके ग्रोथ के लिए वो सारी चीजें हेल्प करेंगे। अगर आपको आपको कैंपस में सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको आउट ऑफ कैंपस अगर एंजॉय करना है तो आपको अगर मूवीज का अगर देखना है तो आप चाणक्य मॉल जा सकते हैं। अगर खाने के शौकीन है, फूडी है, तो आप यहाँ पर POD जा सकते हैं, पैलेट ऑफ दिल्ली, या फिर बिग येलो डोर। अगर आपको चिल करनी है तो सत्या है, मतलब एवरीथिंग आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ये यार एंजॉय करिए और एक्सप्लोर करिए अपनी कॉलेज लाइफ यार। दैट्स ऑल। चलिए, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।